ਅਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਚਿਹਰੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਕਰ ਗਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ मैं राजीव राजा तमाम पंजाब वासियों लुधियाना शहर के वासियों अपने वालों साडे मैंबर पार्लीमेंट सरदार अमनीत सिंह बिट्टू जी वालों भारत भूषण आशू साडे कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार और तमाम लुधियाने की समुची लीडरशिप वालों दिवाली के पवित्र त्यौहार दियाँ विश्वकर्मा के पवित्र त्यौहार दियाँ लख लख मुबारकबाद देना हाँ और उम्मीद करता हाँ और बेनती भी करूँगा सारियां नूं भी बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं है। करोना महामारी से पहले की तरह आपने फिर मिशन फतेह करना है। धन्यवाद। जमीनी विवाद नूं लैके कतल करन दे मामले अक्सर ही सामने आउंदे रहिंदे हन। अजिहा ही एक मामला जिला गुरदासपुर के बटाला पुलिस के अधीन पैंदे एक पिंड कलेर खुरद विच 40 सालों तो कोर्ट विच चल रहे जमीनी विवाद नूं लैके सामने आया है, जिस विच एक धिर ने दूजी धिर उत्ते हमला करदिआं गोलियां मार के दो सके भरावां दा कतल कर दिता, जिस विच मरन वाले दोनों लाशां दी उम्र करीब 70 साल दी दसी जा रही है। मारन वालियां विचों एक रिटायर्ड फौजी दसाया जा रहा है, जिसने अपनी लाइसेंसी हथियार नाल इस घटना नूं अंजाम दिता। मौके ते पहुंची पुलिस ने बयान दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके वारदात ते मौजूद लाशां दे भरा अते बेटे ने दसिया कि उन्हां दा जमीनी विवाद पिछले 40 सालों तो पिंड दे ही रिटायर फौजी विरसा सिंह नाल चल रहा सी। कोर्ट ने उन्हां दे हक विच फैसला भी कीता सी अते फिर भी अज अमरीक सिंह अते हरभजन सिंह दोनों सके भरावां नूं इस जमीन विच कणक दी फसल दी बुआई करन तो रोकण लई रिटायर्ड फौजी विरसा सिंह ने अपने बेटे पत्नी धी दे नाल खेतां विच पहुँच के दोनों सके भरावां दा कतल करके मौत दे घाट उतार दिता। मतलब बीज लैके ते मतलब खाद लैके आए हैं पहली बोण कणक बीजण वास्ते। हाँ जी, तो ये बंदे आ गए कहते तुम पैली नहीं बीजेंगे। किड़े बंदे? विरसा सिंह उसका लड़का, उसकी जनानी, उसकी लड़की। जोगिंदर सिंह नाल पिंड पिंड दे ने। फिर उस तो बाद क्या? हाँ जी, मेरे भरा ने उस तो बाद क्या जिन्होंने सके भरा जिन्होंने गोली चली है तो छोटे गोली अही मेरा साढ़ा भतीजा बलजीत सिंह वो ट्रैक्टर चाहन लगा इन्हें पहले वो गोली मारी वो शायद बांह से लगी उ चला गया। तो फिर मैं तो फटाफट तिने भरा मतलब अगे हुए अगे हुए तो हम पहले उन्हें अमरीक सिंह गोली मारी वो थान से डिपया बिल्कुल नेड़े नेड़े छोड़े कोई इन्नी दूरी भी नहीं। अं दो जन कहा भी वो डंडे में मार गई थले सुटे ने हूँ दूजी गल गोली चलाई वो मेरे भरा दूजे बज गई तो वो भी उस समय डिपया तो मेरे आ चेहरे आ गए बचे मरे ने दोवे की लग रहे मेरे भरा लगते विवाद है जमीन का विवाद अभी पैली लई इन्हें शरीक पैली बह के जुबी चल गए अज तो 40 साल पहले दे पर इन्होंने एक बंदे नाबालिग शो करके एक्सपर्ट की डिग्री साढ़े खिलाफ कराई थी। हाँ जी केस चलता ठीक चलते पे है दो बारी उन्हें साड़ी फसल से स्प्रे की है वो एफ आई आर भी दर्ज हुई है। अं चाहे अं तो उन्होंने कहा भी तेरी जिथे बनती है ना वो तू लै ला पटवारी को लिया के लै ला अं तो पहली सारी बैल ही है और तू प्रॉपर तेन सारे नंबर सांझे तो थोड़ा एक साइड से लै ला लेकिन पटवारी को लिया के एक पास अपने जो मर्जी करा ला सू कहें नहीं मैं इतना ही लैनी धक्के मैं तुम सारी बैली नहीं मैं देनी। हाँ जी कि इस समय विरसा सिंह का लड़का उसकी लड़की उसकी जनानी वकील बाद पिछे रहे हथियार होना मुंडे को पिस्तौल ही हाँ तो वो को अपने विरसा सिंह को बंदूक है मारा मोर दी पिंडों आए हैं पैली आने वास्ते मैं गया शहर तो मैनू फोन आया कि इस तरह करके गोली चल गई आ बैंक में काम कर रहा है मैं उधरों लैके आ रहा है अपनी गड्डी तो उधरों उन्होंने पता नहीं गोली चलाई की किया मेरी गड्डी टायर पाड़ गया अगला तो उस बाद मैं आन के मैं आते गोली चल गई आई अगों जाते वेखे जोगिंदर सिंह नाल उन्हों का लड़का ही रोबनप्रीत और विरसा सिंह ही उन्होंने लड़की ही और उन्होंने जो ही बाई ही इन्होंने गोली चलाई सारे ने तो मेरे फादर साहब ही जेडे डैथ कर गए नाल मेरे ताया जी आ की नाम है दोनों का मेरे फादर साहब का नाम आ सरदार अमरीक सिंह और जो मेरे ताया जी है सरदार हरभजन सिंह आ
जिन्होंने डैथ कर गया। मेरे ताया जी के लड़के जो जिन्हों की बांह से दो गोलियां मारिया ने ट्रैक्टर वाहन डे शायद दस रहे तो उन्होंने बांह से गोलियां लगिया ने दो और मेरी भाभी ही वो दातर मारिया कुड़ी ने सिर च मारिया सर बाबा सट लग गई। एक दो जख्मी आ उथे ही इस घटना की सूचना मिलदिया मौके ते पहुंचे पुलिस अधिकारी ने जांच शुरू करते हुए मृतक परिवार के बयान के आधार से मामला दर्ज करके दोषियों खिलाफ बनती कार्रवाई शुरू कर दी है। एक घटना यह हुई अज पिंड कलेर खुरद के खेतों के खड़े हाँ इतने असी देखा आण के दो पार्टियां का आपस में 35-40 साल तो कोर्ट के जमीन के बाबत झगड़ा चल रहा है जिहदे विच फौजी बिरसा सिंह ने दो सके भरावां नूं गोलियां मार के मारता ते उन्हां दे मुंडे नूं इक नूं जख्मी कर दिता। ये बहुत माड़ी गल है कि जमीन की आपस में जे बंड आ जां कोई गलबात आ जां कणक बीजण आए उन्हां नूं बीजण दित्ती जांदी उह आए सी कणक बीजण ट्रैक्टर वी उह देखो खड़ा उन्हां दा ते उन्हां नूं गोलियां मार के मार दिता बड़ी माड़ी गल है। इस करके जेकर इदा ही होंगी रही तो पंजाब दे विच हालात माड़े हो जाएंगे जमीना नूं लैके। सर की कार्रवाई की जा रही है? असी हुण परचा दे रहे हैं जिहड़ा बंदा जख्मी हो गया आ उहदे बयानां ते असी परचा दे रहे हैं ते इहनूं नाल दी नाल जल्दी तो जल्दी हस्पताल पहुँचा रहे हैं। डैड बॉडियां नूं असी डैड हाउस लिजावांगे उत्थे पोस्टमार्टम करावांगे और जल्दी तो जल्दी असी मुलजमां नूं अपनी गिरफ्त विच लैणा आ। इह किन्ने जख्मी होए ते किन्ने दी मौत होई है जी? दो जने जख्मी हो गए तो दो दी मौत हो गई है। इह सर जिहड़ा तुसीं फौजी दस्सिया होया उह फौज हाले वी काम करदे ने? नहीं, फौज चों रिटायर आया पता लग्गिया सानूं। ते किस असले नाल गोलियां चलियां जी? दुनाली नाल। प्राइम दे लई गुरदासपुर तों जितेंद्र कुंदल दी रिपोर्ट।